मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में भी थे। एक दिन भगवान राम एवं माता सीता कुटिया के बाहर बैठे हुए थे। लखनलाल जी उनके चरणों में बैठे थे। तभी श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, मेरे और सीता के बीच एक झगड़ा हो गया है, इसलिए तुम न्याय करो। लक्ष्मण जी मान गए। श्री राम ने कहा कि मेरा कहना है कि मेरे चरण सबसे सुंदर हैं, जबकि सीता कहती हैं कि उनके चरण सुंदर हैं। अब तुम दोनों के चरणों की पूजा करते हो, तुम ही निर्णय करो कि किसके चरण सबसे सुंदर हैं। लक्ष्मण जी बोले, आप मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए प्रभु। इस पर श्री राम ने समझाया कि तुम वैरागी हो, निर्भय होकर कहो कि किसके चरण सुंदर हैं। राम के चरणों को दिखाते हुए लक्ष्मण जी बोले कि माता, इन चरणों से आपके चरण सुंदर हैं। इतना कहते हुए लक्ष्मण जी चुप हो गए और माता सीता जी खुश हो गईं। इस पर लक्ष्मण जी बोले, माता अधिक खुश मत होना, भगवान राम के चरण हैं तभी आपके चरणों की कीमत है। इनके चरण न हो तो आपके चरण सुंदर नहीं लग सकते। अब राम जी खुश हो गए। इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी फिर बोले कि आप दोनों को खुश होने की जरूरत नहीं, आप दोनों के चरणों के अलावा भी एक चरण है जिसके कारण ही आपके चरण की पूजा होती है, यानी आचरण। लक्ष्मण जी बोले, आचरण की कोई कीमत नहीं, महाराज आपके चरण सुंदर हैं तो उसका कारण है आपका महान आचरण। व्यक्ति के आचरण अच्छे हों तो उसका तन और मन दोनों ही सुंदर होता है और वो संसार में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ जाता है। इसलिए मित्रों, हमें अपने आचरण को सुंदर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक सुंदर आचरण ही एक सभ्य परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण करता है। जय श्री सीताराम। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।